गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी विद राघवेंद्र सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं राघवेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और उसी सीरीज में चलते हुए बुंदेलखंड की चित्रकलाओं में आज अपन चर्चा करते हैं किसकी, नेक्स्ट चित्रकला की, जिसका नाम है मोरदे। क्या नाम है बेटा? मोरदे। यह बुंदेलखंड की बहुत ही लोक प्रचलित चित्रकला है, जिसका क्या नाम है बेटा? मोरदे नाम है। यह चित्रकला कब बनाई जाती है बेटा? तो याद रखना, विवाह के बाद। कब बेटा? विवाह के बाद। विवाह के बाद क्या होता है कि जब जो वर और वधु है, याद रखना, वर और वधु ये दोनों जब कहां पर? अपने पूर्वजों के पास में। किसके पास में बेटा? अपने पूर्वजों के पास में जाते हैं। तो यहां पर याद रखना, वर और वधु के इन दोनों के हाथों से, वर और वधु के दोनों के हाथों से याद रखना क्या बनाई जाती है बेटा? मोरदे नामक चित्रकला बनाई जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। कहां के बेटा? बुंदेलखंड के पठार की ऐसी एक चित्रकला बनती है, जो कि क्या कहलाती बेटा? मोरदे चित्रकला कहलाती है। अर्थात कह सकते कि यह मोरदे चित्रकला कहां की प्रसिद्ध है बेटा? बुंदेलखंड के पठार की प्रसिद्ध है। और ये किस समय बनती है बेटा? तो विवाह के अवसर पर बनाई जाती है। कौन बनाता है इसे? तो इसे वर बनाता है और वधु बनाते हैं, दोनों बनाते हैं। और किसको समर्पित होती बेटा ये? तो ये पूर्वजों को समर्पित होती है। कौन सी चित्रकला बेटा? मोरदे चित्रकला।